नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, जो व्रत में आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। चलिए दोस्तों, तो बनाना शुरू करते हैं। आज साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे। ये हमने साबूदाना लिया है, 3-4 घंटे भिगो के अच्छे से फूल चुका है। और ये मूंगफली छिली हुई भुन के छील ली है हमने। ये जीरा, हरा धनिया और हरी मिर्ची 3-4, और ये व्रत वाला नमक। ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें घी डाल देंगे 2 चम्मच। जीरा डाल देंगे इसमें। ये हरी मिर्ची डालेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। आप चाहें तो डालें, अगर नहीं डालें तो भी अच्छा बनेगा। ये कलर के लिए हमने डाल दी है थोड़ी सी। ये साबूदाना डाल देंगे इसमें। मूंगफली डाल देंगे। अब ये नमक डाल देंगे। चला देंगे इसे अच्छे से। अब ढक देंगे 2-4 मिनट के लिए। इसे बनने देंगे कम आंच में। चलिए इसे खोलते हैं। ये बन चुका है साबूदाना की खिचड़ी। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी बनी है, खिली खिली। इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसमें धनिया डाल देंगे। देखिए दोस्तों, खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।